हम देख रहेंगे आजादी कश्मीर को दे दी, साहब को दे दी आजादी, मेहमान को दे दी आजादी। सर दूसरी पार्टी की भी आजादी की बात कर लें, जो नागरिक संशोधन बिल का जो विरोध चल रहा है आज उस पर भी बात कर लेते हैं। आजादी वहाँ से भी मांगी जा रही है और जामिया में आपने देखा होगा क्या हुआ है। सर आखिर क्या ऐसी कमी है कैब में जो अब एक्ट हो चुका है, सीए हो चुका है, मगर लगातार इसका विरोध और विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाना कि बच्चे घायल हो जाते हैं, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और इससे प्रदर्शन को प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ नेता उतर आते हैं। मैं बता रहा हूँ ये भारत के नागरिक किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जैसा कि आपने देखा आसाम की जो हिंसा हुई है उसमें भी एनआईए ने एक माओइस्ट को उठाया है। ये इसी तरह के शहर में बैठे हुए माओवादी हैं जो हिंसा को भड़कावा देते हैं। ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र हैं, ये जो एएमयू के छात्र हैं, ये जानबूझ के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अब कांग्रेस आज विरोध करती है लेकिन मनमोहन सिंह ने खुद विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी से इसकी मांग की थी। ये प्रकाश कारात ने 2012 में मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि असम के और जो त्रिपुरा के लोग हैं वो बाकी इन्फिल्ट्रेशन से परेशान हैं तो एनआरसी आनी चाहिए। उठता है इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है आर्टिकल 14-15 का वॉयलेशन करता है ये बिल, एंटी मुस्लिम है ये बिल और मुस्लिमों को निकालने के लिए सरकार के द्वारा लाया गया है, सरकार मुस्लिम विरोधी लगातार इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। आपने आर्टिकल 14 और 15 का नाम लिया है, आर्टिकल 15 का बेस है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में एक उपबंध भी है 15-4 जिसमें जिसके तहत ये जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी होती है उसमें हमने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है और तम इनइक्वलिटी को ध्यान में रख सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि डिफरेंस वो जो एक उन्होंने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कहा है कि लोगों में लोगों को इक्वल करने के लिए वहाँ पर दिया जा सकता है। भारत सरकार हर वो अल्पसंख्यक के ध्यान में ही रख के, चाहे वो इस देश के अल्पसंख्यक हो चाहे वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हो, वहाँ पे भी तो अल्पसंख्यक, लेकिन अगर अल्पसंख्यक हिंदू होता है तो ये लोग विरोध करते हैं, अगर मुस्लिम होता है तो ये समर्थन। भारत सरकार ने का ये कदम कहीं से भी सेकुलरिज्म को ठेस नहीं पहुँचाता है। अगर हिंदू होते तब बोला जा सकता था कि हाँ ये सेकुलरिज्म को ठेस पहुँचाता है। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन का ये जो तरीका आज निकला हुआ है कि बसें जलाई जाए, सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जाए, ये क्या ठीक है? और इस ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको कुछ सपोर्ट करने वाले लोग भी आपने इंडिया गेट पे देखा होगा, जामिया पे भी देखा होगा, किस तरीके का प्रदर्शन? देखिए पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं अभी छात्र नहीं हूं, मैं भूतपूर्व छात्र हूं, अब मैं खुद अध्यापन के क्षेत्र में आ चुका हूं, मैं खुद एक टीचर हूं। रही बात ये समझाने की, नाम से अमित नाम है मेरा, मैं आपको बस इतनी छोटी सी बात की तरफ संकेत करना चाहूँगा, यह बहुत ही स्पष्ट है। ये जो मुस्लिम के विरोध में कह रहे हैं कि सिर्फ एक मुस्लिम पंथ को बाहर रखा गया है, बाकी 6 संप्रदायों को लिया गया है इसमें, यह सीधा सीधा संकेत उसमें यह समझाने का किया गया है कि उन 3 देशों में, भारत की सीमा से सटे हुए ये 3 देशों में ये मुस्लिम राष्ट्र, उनके जो राजधर्म में लिखा हुआ है कि ये देश एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर पीड़ित लोग ये परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जिनको भारत शरण दे रहा है सीए बिल के थ्रू, जो अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कुछ छद्म लिब्रांडूस जिन्हें मैं कहता हूं और बहुत प्रचलित हैं लिब्रांडू शब्द से भी, ये लोग ये नहीं बोलते कि ये शिनजियांग प्रांत में चाइना, जो ये जो माओवाद जितना फैला रहे हैं यहाँ पर आकर अग्रबर नक्सली, ये शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमान पर जो हो रहे अत्याचार हैं, जिन्हें वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में री एजुकेशन के नाम से उन पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कभी चाइनीज एम्बेसी में जाके क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ये उनके द्वारा ही फंडेड है, ना उनके खिलाफ पाकिस्तान बोलता है, ना उनके साथ खालिस्तानी बोलते हैं, ना उनके खिलाफ यहाँ के मुसलमान बोलते हैं। क्यों? क्या वहाँ के मुसलमान नहीं है उइगुर मुसलमान, उनके खिलाफ क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते? तो मेरा सबसे पहला प्रश्न लोगों पर यही खड़ा होता है कि आप ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? जो ये प्रदर्शन का तरीका है सर, चाहे आप देखिए एमयू में जो हुआ है, कब्र खुदेगी आपने देखा होगा, ये बताने लायक चीज़ नहीं है, और जो जामिया में हुआ ये किस तरीके का प्रदर्शन है, और गाड़ियों को देख देख के बताया जा रहा है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उन्हें ही जलाया जाए। तो सर ये गांधी का देश, हमने उनका भी प्रदर्शन देखा, कुछ हमारे अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन, मगर ऐसा प्रदर्शन करना क्या ठीक है? देखिए ये बिल्कुल ही सरासर अत्याचार है भारत की धरती पर। देखिए ये कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर मुद्दा सुलझ गया, 370 हट गई, गुस्सा दबा के रखा है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि प्रबंधन इतना अच्छा किया था अमित शाह जी ने, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा सुलझना, एक
डेमोक्रेसी के तहत मुद्दा अंदर दबा रहा, कैसे निकलेगा? यह डायरेक्ट एक्शन डे के पहले का सीन बन रहा है यहाँ पर। और जिन्ना बनना चाहता है ओवैसी, इसलिए ओवैसी दूसरा जिन्ना बनने की कगार पर खड़ा है। वो भारत के टुकड़े चाहता है, एक और भारत में पाकिस्तान बनाने के लिए वो चाह रहा है, इसलिए ये वो वायरस फैला रहा है। ये वायरस है जिसका हम सभी को मिलकर के एंटीवायरस बनना है, इसलिए आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यारे प्यारे छात्र हैं कि पेट्रोल बम उनके हाथ में होता है, बसें जलाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट में उनके साथ होते हैं, और ये आज़ादी वाली मांग वहाँ से भी निकल रही है। किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं सर? अकॉर्डिंग टू सर प्रिंस सिंह, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सेकुलरिज्म की मांग करते हैं, ठीक है, तो ये जामिया और एएमयू और जेएनयू में क्यों? क्योंकि ये इजीली रिलीजन के नाम पे अपना अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन ये एडमिशन पा लेते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। ये किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं जब इनको, ये भारत एक हमारा डेमोक्रेसी है ना, अगर अकॉर्डिंग टू हम पाकिस्तान चले बांग्लादेश चले तो ये क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बोलते हैं हम सेकुलर हैं, हम सब की बात करते हैं। वहाँ ये तो नहीं हुआ गलत कि राम मंदिर का मुद्दा अलग हो गया, इनका मुद्दा अलग हो गया, लेकिन ये बात होते हैं कि सेकुलर करने की, तो ये ना पढ़ाई लिखाई करने आते हैं इसलिए एडमिशन ले लेते हैं, इनका काम होता है सिर्फ लड़ाई दंगे करना। सर आप भी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं, पेपर भी अभी बहुत जल्द होने वाला है, तो ये छात्रों को क्या इस राजनीति में कूदना, और विरोध का कुछ बता, कैब का विरोध किया जा रहा है, कैब के विरोध के कारण तक नहीं बता पा रहे कि आखिर विरोध क्यों, सिर्फ ये एंटी मुस्लिम बिल है सर, क्या ये एंटी मुस्लिम? सर इनका काम है ना शुरू से, एक मुद्दा नहीं होता है, सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं, उसके बाद ये कोई एक लेके बम की तरीके बाहर फूटते हैं। और बात ये करूँ एंटी मुस्लिम की, तो मेरे कई दोस्त मुस्लिम हैं और यहाँ पे जितने भी प्रदर्शन कर रहे होंगे इनमें भी कई मुस्लिम होंगे, क्या जो मुस्लिम यहाँ से पहले से रह रहा है उनका भारत नहीं है क्या? ये आप ऐसे भड़का रहे हो एक मतलब पर्सनल चीज़ को कि आप एंटी मुस्लिम हो, किस बात का एंटी मुस्लिम है भाई? हम तो कोई एंटी मुस्लिम नहीं है। अगर आप डाटा की बात करोगे तो अफगानिस्तान का डाटा ले लो 2014 से पहले का, वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा हिंदू थे और आज की डेट में सिर्फ 1700 कुछ बचे हैं। क्या हमारे लोग बाहर कुछ हो रहा है उनके साथ तो वो गलत नहीं है? और आप मुसलमान हो, मैं कहता हूँ आप मुसलमान हो, अगर आपके साथ इंडिया में कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब उनके साथ गलत खड़ा हो तो आप भी साथ खड़े रहो ना। आपके जैसे हम पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं को कर रहे हैं वैसे तो हम यहाँ नहीं कर रहे ना, तो सीधा सीधा क्लियर कट जवाब है, तो आप क्यों नहीं समझते हो? सर आपका शुभ नाम सर? यस सर अजीत सिंह। सिंह जी आप किस तरीके से देखते हैं उस बिल को, और जो लगातार यूनिवर्सिटी चाहे जामिया हो जेएनयू हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो लगातार विरोध चल रहा है, विरोध का तरीका बताया जा रहा है कि एंटी मुस्लिम बिल है, सर आप किस तरीके से? बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो विरोध हो रहा है, एक साइड ये स्टूडेंट्स हैं और एक साइड वो पता नहीं कौन है जो एक यहाँ पर भारत माता की नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और उधर कैसे गंदे गंदे साइंस वामपंथिया और फक ऑफ एंड ऑल के साइन वो दिखा रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि कौन भारत के खिलाफ है और कौन भारत के साथ है। तो अभी से ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, और गांधी जी जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 1947 में साफ साफ वर्डेड में ये कहा था कि अगर कोई मुस्लिम देश है या पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान से अगर कोई हिंदू और बुद्धिज़्म अगर कोई आना चाहता है तो उसका खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। तो ये तो हम गांधी जी की सोच पर गांधी जी के विचारों पर चल रहे हैं जो आज लगातार यही हो रहा है कि हिंदू सिख जैन बौद्ध को नागरिकता दे दी, मुस्लिमों को क्यों नहीं, यही चीज़ बार बार उठाई जा रही है। सर इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि जो जहाँ जिनको नागरिकता दी गई है ना वो मुस्लिम बहुलिक है, मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, तो जो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं जो विरोध चल रहा है छात्रों के द्वारा, एक छात्र होने के नाते ऐसा विरोध प्रदर्शन का ठीक है? सर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीए का नाम सर मेरा अभिजीत ठाकुर है, मैं हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। एक्चुअली इन लोगों को मालूम नहीं है सीए है क्या। सीए एक्चुअली वो इस्लामिक रिपब्लिक जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं हिंदू जैन सिख ईसाई, इन लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। अब इसमें ये बात कहीं नहीं लिखी गई है जो यहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये लोगों को पता नहीं है जो सीए है क्या, बस ये वामपंथियों विचारधारा में सर्जिकल स्ट्राइक है, इस वजह से उनके पेट में दर्द है और ये लोग घर से निकले हैं। आप कह रहे हैं कि सीधे से कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये प्रोपेगेंडा चल, ये बिल्कुल तौर पर प्रोपेगेंडा वार्ड है। ये इन्होंने 370 हटा दिया, राम मंदिर बन गई, ट्रिपल तलाक ले आए, बस ये जो सीएए का विरोध है ये कंबाइंड विरोध है उन सब का, क्योंकि विरोध सर इसका। आपका शुभ नाम? मेरा आर्यव्रत, मैं शिवाजी कॉलेज डेली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और आज मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशली दिल्ली पुलिस के समर्थन में और इस सरकार ने जो ये बिल लेके आए हैं इसके बिल्कुल पक्ष में आज हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है।
जब पार्टीशन हुआ था तो उन कंट्रीज ने वादा किया था कि हमारी जो देश की माइनॉरिटीज होगी उनको हम बचाएंगे, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जैसे देश में माइनॉरिटीज़ कम होती जा रही हैं और हमारे देश में जब माइनॉरिटीज़ की दिन प्रतिदिन उनकी प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, तो उनके संरक्षण में हमारे देश की जो एक सोच रही है कि जो भी प्रताड़ित लोग हैं, जो भी प्रताड़ित धर्म है, धर्म या समुदाय का लोग है, उसको हमेशा हमने बचाया है, तो उसी की मुहिम लेकर उन देशों में जो माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को इस बिल में शामिल किया गया है। और पता नहीं क्यों उसको एंटी मुस्लिम बिल बनाया जा रहा है, तबकि हर मुस्लिम एक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत और कानून के अंतर्गत यहाँ की नागरिकता अब भी ले सकता है। कांग्रेस द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा आर्टिकल 14 का वॉयलेशन इसको बताया गया है। आर्टिकल वॉयलेशन एक प्रतिशत आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ बात करते हैं हम माइनॉरिटीज़ की, उसमें बताया गया कि नागरिकता बिल आने के लिए, जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो उनमें माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स नहीं हैं, तो वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है ना। और जो अलग आर्टिकल्स की बात करते हैं न्यूज़ चैनल में या कांग्रेस अलग आर्टिकल्स की बात करते हैं, वो एप्लीकेबल होता है इंडियंस पर, ना कि रिफ्यूजीज पर। विरोध ये किया जा रहा है कि कैब के बाद NRC इलाके मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। हम और मोदी सरकार या हर पार्टी, अब तक उनका नज़रिया, इस देश का नज़रिया ये रहा है कि हमने हर बार मुसलमानों को गले लगाया है, अपनाया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो कहीं भी किसी राज्य का, चाहे आप UP ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में जुतंगित, हमने हर हाल में मुसलमानों को गले लगाया है। ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर देनी चाहिए ये बात। आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कुछ राजनीतिक पार्टी? बिल्कुल प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कि इस पर बहुत सारा फंड कहीं से कहाँ आ रहा, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ इस हक में मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक नागरिक को इस बिल के लिए सपोर्ट दिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।